हाँ जी बच्चों कहाँ सब आ गए बच्चे पांच ही आए हैं बाकी बच्चे कहाँ गए कौन कौन नहीं आया चलो आ जाएंगे तो एक बात आप मुझे बताओ अपन डिस्कस कर रहे थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाइबा टू होता है तो इसके दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं भाई तो वो हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता है फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लिख सकते हैं फाइव बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ठीक है ना तो इसलिए हमने क्या किया कि इसमें जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स वो क्या होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी तो सर आप कह रहे हो कि फिर इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क् वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है तो वो कैसे होता है तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमें पता है कितना होता है पाए बाई टू होता है ठीक है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है हमने तो बताओ यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पाए बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख के देखते हैं क्या आता है तो हमने लिखा पाई टू इन्वर्स एक्स और प्लस सी। तो लिखा और और ये ये जो जो है है वो सी के साथ जोड़ दो तो इसको नया नाम दे दिया फिर से सी तो नया कॉन्स्टेंट हो गया प्लस सी ठीक है तो इस तरह से दो दो आंसर हो सकते हैं तो कोई ना कोई रिलेशन होगा जो रिलेट करता है इनको तो ऐसे क्वेश्चंस के दो दो आंसर

वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन दो होंगे एक तो एक तो हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स एक्स एक होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स ठीक है और प्लस सी तो जरूर ऐड करना है इसमें तो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वो सेक इनवर्स एक्स प्लस ऐसे ही माइनस को सेक इनवर्स एक्स

तो फिर e रेस पर x का इंटीग्रेशन वो फिर से e रेस पर x होगा log ऑफ mod x का डेरिवेटिव होता है 1 x तो 1 x का इंटीग्रेशन वो log ऑफ mod x ऐसे ही आपको याद है a रेस पर x का डेरिवेटिव क्या होता है चलो अपन सिर्फ a रेस पर x का डेरिवेटिव निकालें तो a रेस पर x का डेरिवेटिव होता है a रेस पर x log ऑफ a तो अब मैं चाह रहा हूँ ये log a जो है वो इसके नीचे लिख दूं तो चलो लिखते हैं कि नए फंक्शन ले लेते हैं ए रेस पर एक्स अपॉन लॉगे इसका डायरेटिव बताओ तो सर इसमें तो लॉग ए कॉन्स्टेंट है तो चलो इसको बाहर लिख देते हैं लॉगे कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया और डायरेक्टिव निकाल रहे हैं किसका ए रेस पर एक्स का तो वन अपॉन लॉगे बाहर लिख दिया और ए रेस पर एक्स का डायरेटिव हमें पता ही है कितना होता है भाई ए रेस पर एक्स लॉग ऑफ ए तो लॉगे लॉगे कट गया तो ए रेस पर एक्स आ गया तो कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस पर एक्स अपॉन लॉगे क्या होता है वो ए रेस पर एक्स होता है तो क्या करें डीएक्स को उधर ले जाओ तो डीएक्स को उधर ले जाके और इंटीग्रेशन करो तो चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ लिखा डी और ए रेस पर एक्स अपॉन लॉगे ठीक है उस तरफ ले गए ए रेस पर एक्स के साथ डी एक्स ले गए डीएक्स के साथ अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा दिया तो आपको पता है ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये दोनों साइन हट जाएंगे तो फिर हमारे को पता लग गया कि ए रेस पर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है a रेस पर x अपॉन log a पर हमें ये भी याद है कि हम हमेशा हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है इसलिए हम प्लस c जरूर ऐड करेंगे तो इसमें कोई डाउट है किसी को कैसे आया ये a रेस पर x का डेरिवेटिव हमें याद है a रेस पर x का डेरिवेटिव e रेस पर x into log a होता है देख ठीक है तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो a रेस पर x का तो वहां पे इनटू नहीं होगा डिवाइड बाय log a हो जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको समझाया तो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है नहीं तो फिर से पूछो फिर से बता देंगे सबको समझ में आ गया यस यस सर सर है हाँ। चलिए इसके बाद ये तो हमारी लिस्ट हो गई फॉर्मूलाज की तो अब ये फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं ठीक है एक स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको साफ दिखे तो देखिए तो तो पे ये 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 बीच वाला ग्राफ जो है वो X -square का है 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 वो 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 का 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 कौन सा फिर फिर ऐसे ही X -square minus 1। ये नीचे जो minus 1 पे काट रहा है तो ये माइनस वन का ग्राफ है है ना इस तरह से एक्सक्वाइनस एक्सक्वाइनस so ये फैमिली ऑफ कर्व्स हो गए ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स ठीक है तो इन सब का जो है डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है सेम है देखो ये सारे पैरेलल टेंजेंट्स दिख रही है ना सारी ये सारे पैरेलल टेंजेंट दिख रही है पर जब इंटीग्रेशन करते हैं इसी का डीवाई बाई डी एक्स का तो क्या आता है भाई मैं इन सबका डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ आपसे इन सब का डायरेटिव टू एक्स है कि नहीं है सबका डेरिवेटिव टू एक्स है तो ये देखो ये जो टेंजेंट दिख रही है वो टू एक्स है पर मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा आपको वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ

तो चाहे हम एक्स स्क्स सी ले लें चाहे एक्सक्वायर प्लस टू ले लें प्लस थ्री ले लेंस फोर ले लें ले, ले, कुछ भी ले लें तो डायरेक्टिव तो टू ही आएगा एक्सेजिकल टू वन पे तो ये बता रहा है कि एक्सेसिकल टू वन पे सबका डायरेक्टिव सेम है तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स होगी तो बताओ कि इन सब का इंटीग्रेशन कर दें तो मैंने बताओ टू एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो वो होगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी तो टू से टू कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है

किसी की अलग अलग वैल्यूज देने से कि ग्राफ क्या है ऊपर जंप या नीचे जंप करता है वर्टिकली ऊपर नीचे जाता है ठीक है इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल तो पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे देखो डिफ्रेंसियन और इंटीग्रेशन दोनों साथ में सिंबल दे रखे हैं तो ये क्या है नलीफाई हो जाएंगे ये दोनों हट जाएंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा एफेक्ट्स आएगा तो ऐसे कोई एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वो एफ एक्स होगा क्योंकि F x का का है तो इंटीग्रेशन होगा पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर बार एड करना है हमें ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सेकेंड प्रॉपर्टी में देखो क्या कहता है डेरिवेटिव ऑफ एफेक्स इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो इसमें क्या बता रहा है आपको सेकेंड प्रॉपर्टी ये तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो ये स्मॉल एफेक्स का जो है इंटीग्रेट अब इसमें क्या ऑर्डर चेंज कर सकते हो इसमें ऑर्डर चेंज कैसे डेरिवेटिव आपने पहले लिख दिया इंटीग्रेशन बाद में लिख दिया और ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन पहले लिख दो और डिफ्रेंसेशन बाद में लिख दो वो भी सही है और कहता है अगर ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पे एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन और डायरेक्टिव निकाला है यहाँ पे जी एक्स का निकाला है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर उधर ले जाए तो एफ एक्स माइनस जीएक्स आ जाएगा तो यानी एफ एक्स माइनस जीएक्स का क्या होगा ये कोई कॉन्स्टेंट होगा डिफरेंस इनका ठीक है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट का ही फर्क हो सकता है जैसे मानो ये वाला एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू और ये वाला फंक्शन है एक्सक्वायर प्लस वन तो एक्सक्वायर प्लस टू माइनस एक्सक्वायर प्लस वन ठीक है दोनों का आंसर क्या है कांस्टेंट का ही फर्क होगा यानी जैसे यहाँ पे वन आ रहा है ठीक है तो FX का इंटीग्रेशन और जी एक्स का इंटीग्रेशन में फर्क सिर्फ कॉन्स्टेंट का है तो इस तरह से भी हम ये समझ सकते हैं तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं तो कहते हैं फैमिलीज तो इक्वलेंस ऑफ द फैमिलीज में बता रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स प्लस सी वन ठीक है और जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू तो इस कस्टमरी एक्सप्रेस एज नहीं करते हैं कि of अलग हो सकता है, ये सिर्फ की से अलग है।, बाकी सेम है। अब आ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी तो कहता है इंटीग्रेशन करना है हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स का ठीक है या माइनस जी एक्स का तो आप अलग से पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो ठीक है और प्लस है तो प्लस लगाओ माइनस है तो माइनस लगाओ और फिर जी एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर दो तो इस तरह से हमने देखा थर्ड में कि एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो आप इस तरह से इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हैं इसके बाद कोई कॉन्स्टेंट के हो फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है इंटीग्रेशन ऑफ के इन टू एफ एक्स जहाँ पे के क्या है कॉन्स्टेंट है तो के बाहर रखो और इंटीग्रेशन कर दो किसका एफ एक्स का ठीक है तो कांस्टेंट कोई के हो तो जैसे मैं लिख दू फाइव एक्स का इंटीग्रेशन करो तो फाइव एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो फाइव तो बाहर रखो और एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो तो क्या आएगा भाई? तो आएगा भाई ये और प्लस सी ठीक है इस तरह से करना है इसके बाद प्रॉपर्टीज थर्ड फोर्थ तो ये इसमें थोड़ा सा बताया है कि बहुत सारे कांस्टेंट हो तो सबको कांस्टेंट को बाहर रख के आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गए अब अपने एग्जांपल्स पे आ जाते हैं तो एग्जांपल में एक जनरल में बात बताना चाहूंगा जिससे पहले एग्जांपल शुरू करें कि मान लो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या है वो है कैपिटल fx ठीक है और प्लस c तो अब मुझे निकालना है कि स्मॉल f ऑफ ax plus b का इंटीग्रेशन क्या है तो वो होगा कैपिटल f ऑफ ax b और प्लस सी पर जो एक्स का कोफिशंट है ना वो क्या है ए है तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन ए एफ और ए एक्स प्लस बी ये होगा तो सर ये वन अपॉन ए क्यों आता है तो इसको समझ लेते हैं तो ये बड़ा जरूरी है समझना ताकि हम ये सारे एग्जाम्पल बड़े इजीली कर पाए तो मैंने क्या करना है सब्सटूशन लेना है तो ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है फर्स्ट वाला ट्रू है अब हम सेकंड प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट को यूज करके हम सेकंड प्रूव करेंगे तो लेट ए एक्स प्लस बी

और एफ ये जो ए एक्स प्लस बी था ऊपर उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ तो तो टी तो क्या डी एक्स तो की जगह लिखो तो अपन चलो वन अपन ए बाहर और डी टी यहाँ लिख देते हैं तो वन अपन ए बाहर लिख देते हैं और डी टी लिख देते हैं यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि कैसे किया पर हमें पता है कि स्मॉल fx का इंटीग्रेशन तो कैपिटल fx होता है तो फिर स्मॉल ft का इंटीग्रेशन क्या होगा वो तो कैपिटल ft ही होगा तो चलो लिखते हैं कि कांस्टेंट तो बाहर ही लिखा जाता है और इंटीग्रेशन स्मॉल ft का क्या बताया कैपिटल ft और प्लस t तो जरा t क्या था सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था वो डालो तो f और t की जगह क्या लिखेंगे ax b plus c तो अब आपको क्या सीखने को मिला इससे

मुझे ये बताओ कि ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़े वरना इसको वापस रिपीट करें कोई डाउट नहीं समझ में आया सबको समझ में आ गया है बात हाँ बताओ बेटा सर अगर जैसे दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर माइनस वन डी तो साइंस क्वेरेक्स बाहर आएगा। अच्छा, नहीं, देखो वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मुझे आप लिखवाओ क्या बोल रहे थे आप साइंस क्वेरेक्स और आगे। इनटू ट स्क्वायर माइनस वन। हाँ, और आगे। डीटी। डीटी, हाँ, तो अब जो विद रिस्पेक्ट टी डेविड निकाल रहे हैं।

तो क्योंकि यहाँ पे साइंस स्क्वायर एक्स के साथ अगर डीएक्स होता ना तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन निकाल दें क्योंकि एक्स है ही नहीं डीएक्स नहीं है अब तो डी टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल सही है और कोई डाउट हो जो अभी तक समझ नहीं आया जी जी ऊपर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ फॉमूलाज की एक तो मैंने लिस्ट आपको दिखा दी कि ये सारी लिस्ट है है ना वो लिस्ट अब मेरे काम की नहीं है मुझे तो नई लिस्ट बनानी है उसमें ये कंसेप्ट काम आने वाला है जो भी बताया मैंने वापस सुन लो एक बार कि स्मॉल का इंटीग्रेशन कैपिटल है मान लो तो बताओ स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा कैपिटल तो होगा पर यहां पे कैपिटल के बाहर वन अपॉन ए से डिवाइड करना है यानी जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है उसका रीजन सारा मैंने यहाँ समझाया है कैसे करना होता है ए एक्स प्लस बी को थोड़ा सा टी मान के चलते हैं तो ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया तो जरा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है A का तो कांस्टेंट तो तो है, इसकी जगह हम वन अपॉन ए डी टी लिखेंगे और यहाँ ए एक्स प्लस बी लिख रहा है उसकी जगह हम टी लिखेंगे तो देखो कॉपी किया ये इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ये एफ ये प्लस बी की जगह क्या लिखा

तो इस तरह से हमारा फाइनली हम क्या लिखेंगे तो इसको आपको याद रखना है और इसके बाद हम बना रहे हैं एक लिस्ट फॉर्मूलाज की फिर से एक लिस्ट बनेगी तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपन उस लिस्ट बनाने के लिए आगे बढ़े बताओ शुरू करें लिस्ट बनाना यस yes, सर हाँ तो सारे बच्चे हेल्प करेंगे मेरी वही सारे फॉर्मूले लिखेंगे जो अभी हमने सारे फॉर्मूले पढ़े पर थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं तो, तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पर एन की जगह हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट पार क्या लिखना है बताओ एन तो वो क्या हो जाएगा साथ में डी एक्स तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और साथ में क्योंकि कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ ए और प्लस सी जरूर लिखना है तो सर, सर इसका क्या एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनशन ऊपर बता दिया आप चाहो तो ए एक्स प्लस बी को t मान के वही सारा प्रोसीजर करो जो ऊपर किया था अब सेकेंड फॉर्मूला बताओ सेकेंड फार्मूला है आपको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है किसी को याद है sin x का इंटीग्रेशन कुछ बताएगा sin Cauch x x x cos cos होता है बिल्कुल सही है तो अब हम कर रहे हैं कि sin ए ए एक्स प्लस का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बताओगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी तो क्या ये सही है या कुछ और करना है हमें डिवाइडेड बाय बिल्कुल तो वन अपॉन ए बाहर आएगा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी थर्ड फॉर्मूला बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या क्या होता है माइनस साइन तो नहीं होता माइनस साइन होता है क्या प्लस साइन हाँ प्लस साइन ए एक्स और प्लस सी तो यहाँ भी हमें

tan ax plus b divided by a plus c हाँ one upon a tan ax plus b और plus c आ जाएगा ठीक है फिफ्थ formula जल्दी जल्दी लिखवाएंगे तो अब हम लिख रहे हैं cos x square x cos x square और ए एक्स प्लस बी इसका इंटीग्रेशन बताओ माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी बिल्कुल सही माइनस वन

प्लस सी तो जिस भी स्टेप में हमने प्लस सी छोड़ दिया तो वो गलत हो गया फिर आपका ठीक है तो प्लस सी जरूर लिखना है वन अपॉन ए भी जरूर लिखना है अब बताएंगे कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी और इनटू टू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कौन बता रहा है माइनस वन अपॉन ए बिल्कुल सही है माइनस वन अपॉन ए कोसेक और प्लस सी ठीक है जी, इसके बाद नाइन्थ फॉर्मूला पे आ जाओ तो नाइन्थ फार्मूला आपको याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर एक्स क्या होता है वो तो इस बार हम ई रेस पर एक्स तो प्लस बी और डी एक्स का इंटीग्रेशन बताएंगे तो बताओ क्या आएगा ई रेस पर ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही ऊपर ठीक है और प्लस सी भी आएगा पर बाहर वन अपॉन ए आएगा वन अपॉन ए, ए रेस पर एक्स प्लस बी प्लस सी इस तरह से आपको पता है कि x का डिपॉन एक्स होता है तो मैं पूछूंगा क्या होगा बताओ भाई तो आप बोलोगे सर लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी पर अगर आपने वन अपॉन ए नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा इसलिए वन अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी फिर इलेवेंथ फॉर्मूला आप बताओ कि ए रेस्ट पर अब ये ए यूज हो रहा है ना तो ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए रेस पर हम कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं बी एक्स प्लस सी कर देते हैं बी एक्स प्लस डी कर देते हैं बताओ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो सर इसका इंटीग्रेशन किसी को याद है ए रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है क्या किसी को रेस पर एक्स A X, आगे log a log a log a क्या करूं मल्टीप्लाई कर दूं डिवाइड डिवाइड बाय log a हाँ log a पर साथ में हमें अब क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन b से डिवाइड करना पड़ेगा सर 1 अपॉन b से क्यों कर रहे हो पिछली बार तो 1 अपॉन a से डिवाइड किया इतने सारे पार्ट में तो भैया इस बार x का कोफिशिएंट b है ना इसलिए हमने b से डिवाइड करना है जब x का कोफिशिएंट a होता है तो a से डिवाइड करते हैं यहाँ पे b है कोफिशिएंट इसलिए b से डिवाइड किया चलिए अब 12th फार्मूला अब वाले फंक्शन आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ और डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस और एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर की स्क्गे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अब बताओ क्या बताओगे आंसर सोमेश भी है देवांश भी है सब अच्छे हैं यहाँ पे ऋषभ भी है सभी जवाब दे सकते हैं सिर्फ मानसी ही क्यों बोलो भाई सर साइन इनवर्स एक्स प्लस बी और प्लस सी बस सही है ये कुछ गड़बड़ तो नहीं डिवाइडेड बाय by... हाँ वन अपॉन बाहर आएगा तो डी और एक और आंसर हो सकता है इसका तो बताओ और क्या आंसर हो सकता है माइनस माइनस कॉस

यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर ठीक है तो जरा बताओ क्या लिखे एक्स प्लस बी प्लस सी आएगा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो इसमें प्लस सी और लिख देंगे इसके बाद फिफ्टींथ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन और इसी को ही एक और आंसर आएगा इसका इसका एक और आंसर क्या होता है भाई बताओ माइनस माइनस वन अपॉन ए और प्लस सी इस तरह से कोसेक इनवर्स का भी तो होता होगा कुछ फॉर्मूला सिक्सटीन फॉर्मूला लिख देते हैं इंटीग्रेशन बोलो कौन सा फॉर्मूला है अपॉन ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वन क्योंकि हमें याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट स्क्वास वन इसका इंटीग्रेशन तो होता है सेकेंड वर्स एक्स तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि वन अपॉन ए और सेकेंड वर्स और ए एक्स प्लस बी प्लस सी ठीक है ना तो इसके बाद अगला फॉर्मूला थ इसी को वापस से बताएं इसका दूसरा आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस बी और अंडर रूट एक्स प्लस बी होल और वन। तो इसका में क्या फर्क बताओ भाई दो दो आंसर चाहिए बिल्कुल सही प्लस बी प्लस सी तो क्या हमारी लिस्ट खत्म हो गई या और कुछ बचा है तो एक बात बताओ भाई कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोई बताएगा का तो का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो को हम dx लिखने की जगह सिर्फ डीएक्स भी तो लिख सकते हैं तो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी तो सर इस पर कहाँ से लगा लोगे ये वाला फार्मूला वन अपॉन ऑन ए कहाँ से आ जाएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं ना आए ठीक है ना तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें ऐसे कर दें कि ए डी एक्स कंटीग्यूशन बताओ भाई ए डी एक्स का तो तो ए को बाहर लिख देंगे और डी एक्स कंटिगेशन बताओ तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी और क्या ठीक है ना इसके बाद नाइन्टीन फॉर्मूला कि सर आप तो ज़बरदस्ती फार्मूला लिखवाए जा रहे हो कुछ फॉर्मूला ऐसे होता ही नहीं भाई देख लो एक बात बताओ रूट का डरेटिव किसी को याद है क्या का क्या होता है होता होता है तो है तो तो अपन का बनाना चाहते हैं मैं पहले आपकी information लिख देता जो जो आपने बताई सर ना वो टू रूट होता है ठीक है।, है भाई तो मुझे इंटीग्रेशन करना है तो dx को ले जाता हूँ ठीक है और मैं कह रहा हूँ ले जा रहा हूं मैं, है तो ये क्या हो जाएगा कि वन अपॉन रूट एक्स और dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए बताओ टू रूट एक्स आना चाहिए पर साथ में प्लस सी जरूर लिखना है तो इस तरह से हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या होता है टू रूट एक्स प्लस सी याद रख लो इसको ठीक है तो बताओ वन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी ठीक है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा

होता है इंटीग्रेशन पूछा है, पूछा है। अच्छा सॉरी सर हाँ, तो जरा बताओ कि इसी तरह से इंटीग्रेशन हम कर देना चाहते हैं किसका का। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूँ डी एक्स को उधर ले जाऊँ माइनस को इधर ले, ले आऊँ तो जरा बताना कि इंटीग्रेशन क्या होगा किसका वन अपॉन एक्स स्क्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो 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 सर ये तो minus one upon plus ही तो सर ये x x होगा, होगा? होगा ठीक है ना? ना? ऐसे कैसे कैसे तो चलो बताता हूं कैसे होगा? कि भाई इसको मैं x की की लिख सकता क्या आया माइनस वन अपॉन एक्स आया और प्लस ही जरूर लिखना है तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन बताओ वन अपॉन एक्स प्लस बी हो स्कोर का बोलो कौन बता रहा है कोई नहीं plus B. सिर्फ वन भी तो आएगा नहीं तो minus one upon A, plus B plus C. तो आई होप दिस इज क्लियर सबको समझ में आ गया होगा तो ये हमारी जो लिस्ट है वो पूरी याद होनी चाहिए और अगली बार मैं पूछूंगा और आप ट्राई करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन आप ट्राई करेंगे तो बड़े आराम से आपकी हो जाएगी पहले एग्जांपल्स करोगे फिर एक्सरसाइज करेंगे ठीक है और अगली बार हम साथ में ही मिल के ये क्वेश्चंस करेंगे ठीक है बच्चों तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें टोटल ट्वेंटी टू क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी ईजी हैं

थ्री एक्स है ना और डी एक्स तो जल्दी से बता दो क्या लिखे इसकी जगह साइन टू एक्स का तो ऊपर दिखा हुआ हमने माइनस कॉस टू एक्स और अपॉन टू ठीक है ना और इसका क्या आएगा माइनस फोर अपॉन थ्री ई e रेस पर थ्री एक्स प्लस सी ठीक है ना थी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स बता दो जल्दी से कैसे करें इंटीग्रेशन फोर e ई रेस पर थ्री एक्स और प्लस वन और डीएक्स हाँ जी बोलो तो फोर फॉन थ्री रेस पर थ्री एक्स और बोलो क्या लिखूं? ए। एक्स वन का इंटीग्रेशन ही होता वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना भाई ठीक है ना वन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है फिर क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में बताओ मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो मल्टीप्लाई करने से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स तो बहुत आसान हो गया बताओ क्या हो जाएगा एट्थ वाला अपने आप कर लोगे लो लो पहले एक्स क्यूब के नीचे लिखो फाइव एक्सक्वायर माइनस फोर के नीचे एक्सक्वायर और फिर इंटीग्रेशन कर दो ठीक है ना ऐसे ही ट्वेल्थ क्वेश्चन में ये क्या लिखोगे बताओ ट्वेल्थ क्वेश्चन में एक्स रेस पर थ्री माइनस हाफ ठीक है ना क्वेश्चन नंबर में क्या करना है इस तरह से कर दो पर पर क्योंकि root है ना और और क्या होगा 3 X raise 1 minus half, और फिर पर और फिर इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके आप कर लेना कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एक्स रेस पर एन का इंटीग्रेशन कौन बताएगा क्या होता है एक्स रेस पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इस तरह से थर्टीन वाला कैसे करेंगे तो बताओ फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्स एक्स माइनस वन में तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं एक्स माइनस वन फिर वन कॉमन निकाल लेते हैं एक्स माइनस वन पूरे में से एक्स माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमारा जो फंक्शन था उसमें क्या कटेगा था तो तो उसको हमने लिखा अब ये एक्स माइनस वन कट जाएगा और अब आप बड़े बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर पाओगे ठीक है तो ये आप कर लोगे इसके बाद ये तो मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स इंटू वन फिर एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है भाई वन प्लस हाफ पावर क्या होती है थ्री बायस पर थ्री ऐसे इन सबको करना है आपको बड़ा आसानी से कर लोगे आप ये भी इजीली हो जाएगा तो ये भी मैं समझ रहा हूँ इजीली हो जाएगा ये भी इजीली हो जाएगा बताओ इसको मल्टीप्लाई में करोगे सेक्स स्क्स सेक्सर एक्स किसका डायरेटिव होता है याद है किसी को सेक्स स्क्स डायरेटिव होता है टेन एक्स का तो सेक्स स्क्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक्स का इंटीग्रेशन जाएगा तो सर नाइनटीन क्वेश्चन कैसे करें

का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x c. तो इस तरह से आप करते जाना है सारे क्वेश्चंस और जहां दिक्कत आए वो अपन डिस्कस कर लेंगे तो इसमें लिख दो और वन अपॉन कॉस्कोर एक्स क्या होता है माइनस थ्री बाहर लिख दो और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस्को एक्स क्या होता है तो इसको लिख देंगे ठीक है ना

तो एफ एक्स दे रखा है डायरेक्टिव ऑफ एफ एक्स दे रखा है आपको और एफ ऑफ टू इज जीरो दे रखा है देन एफ एक्स इज एफ एक्स पता लगाना है ट्राई करो अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको